दोस्तों, अगर आप अपनी छत में गार्डनिंग करना चाहते हैं, जैसे देखिए, मैंने ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, ये आजकल बरसात के सीज़न में होने वाली सब्जियां हैं, ये गार्डनिंग करना चाहते हैं आप अगर आप छत में, तो इस प्रकार से देखिए, आपको ज़्यादा महंगे बाज़ार से ग्रो बैग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो इस प्रकार से जो 10 किलो के या 15 किलो के जो ये आते हैं, कट्टे आते हैं, कट्टे यानी जो बैग आते हैं या आटे के, चावल के, उसमें भी आप अपनी जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे देखिए, मैंने तोरई, लौकी लौकी यानी घिया, और जो अपनी ककड़ी की बेल लगा रही है, इस प्रकार से आप भी अपनी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो ये बैग हैं आटे के या चावल के या किसी भी चीज़ के, आप जो बैग आते हैं यूज एंड थ्रो होते हैं, तो इसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप छत में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप इनमें ही गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए, आप छत में जब कोई या कहीं भी ज़मीन में कोई बेल वाली सब्जियाँ लगाते हैं, तो उसके लिए मचान की ज़रूरत होती है, जो ये बेलों को ऊपर चढ़ने के काम आती है। तो ये मचान जो बनाने का तरीका है, मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले, अगर आप गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको गार्डनिंग से रिलेटेड, जो छत में गार्डनिंग करना चाहते हैं ख़ास तौर पर, उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियो इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो नए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो चाहिए होता है ग्रो बैग। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो ग्रो बैग की जगह आप इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने ये चावल और आटे के बैग ले रखे, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इनमें एक दिक्कत ये होती है कि ये जो बैग होते हैं, ये 6 महीने के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो आप, मैंने देखे जो ये बेल वाली सब्जियां होती हैं, ये 3-4 महीने का रहता है इनका सीज़न, तो मैंने इसलिए इनको इस बैग में लगाया। ग्रो बैग लगाता वो थोड़ा सा महंगे आते, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ का वो सुझाव दे रहा हूँ, इस चीज़ में आप यूज़ करिए। तो ये देखिए, मैंने जैसे ये तोरई की बेल लगा रही, ये देखिए कितनी ग्रोथ होगी है इसमें, तोरई की बेल में, तोरई की बेल लगाई है ये इस वाले ग्रो बैग में। और मैंने ये लौकी की भी लगा रही थी, देखिए लौकी की बेल भी थोड़ा सा सही हो गई है, देखिए कितनी हाइट पहुंच गई इसकी भी। ये 1-1.5 महीने बाद आप इसमें से जो है फल तोड़ने को मिल जाएंगे। और ये देखिए, मैंने ये जो है खीरे की बेल भी लगा रही थी। अभी मैंने शुरुआत जो कर रहा हूँ, तो एक एक जो बेल लगा रही थी, एक एक बेल से शुरुआत कर रहा हूँ। बाद में अगर हो सकेगा तो मैं और ज़्यादा इसमें लगाऊंगा, अगर थोड़ा सा अच्छी वो मिले तो इसमें प्रोसेस। ये देखिए, और मैंने जो तोरई की हैं, ये 2 बेलें लगा रखी। ये मैंने जो पौधे उगा रखे हैं, ये बीज के थ्रू ग्रो कर रखे। पहले मैंने इनको बीज से ग्रो कर रखा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बड़े हुए, जब 15-20 दिन के हो गए, जब उसमें पौधे थोड़े से 7-8 इंच के हो गए, उसके बाद मैंने इनको इस बैग में लगा रखा। तो इस प्रकार से आप जब गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो और मैंने इसके कुछ छोटे पौधे भी लगा रखे, यहाँ आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैंने एक करेले का पौधा लगा रखा, ये भी बीज के थ्रू ग्रो कर रखा मैंने। ये देखिए, ये भी मैंने जो है चावल और आटे के बैग में लगा रखे। और ये कुछ टमाटर के पौधे लगा रखे, ये देखिए थोड़े बड़े हो गए हैं। ये मिर्च के पौधे लगा रखे, ये भी थोड़े से बड़े हुए हैं। आप भी अगर ज़्यादा महंगा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। कुछ मैंने टमाटर के, कुछ मिर्ची के ये पौधे भी जो है इसी बैग में लगा रखे। और एक मिर्ची का पौधा मैंने देखिए जो ये गमले में लगा रखा, ये काफ़ी, इसमें से काफ़ी मिर्ची हो गई है। देखिए, ये अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है मिर्च। ये पौधे को मेरे करीब हो गए हैं 6-7 महीने, और इसमें मैंने 2-3 बार इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है, और इसकी एक बार मैंने कटिंग करी थी, उसके बाद इसमें दोबारा मिर्च लगना स्टार्ट हो गई है। और कुछ बैंगन के पौधे हैं, बैंगन के पौधे से तो मैंने बहुत बार हार्वेस्टिंग कर ली है, कम से कम एक पौधे से ही मैंने 3 या 4 किलो बैंगन हार्वेस्ट कर लिए हैं। उसके बाद भी इसमें देखिए अब बैंगन लग रहे हैं, इसकी भी मैंने जो है कटिंग कर दी थी, उसके बाद इसमें दोबारा फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, एक बैंगन का पेड़ मैंने इस गमले में लगा रखा।
ये गमला जो है, कम से कम अगर आप कोई पौधा बैंगन या मिर्च का लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंच का होना ही चाहिए, उससे या उससे ऊपर होगा होना चाहिए, तभी आपके जो है बैंगन के पौधे में अच्छे फल ले पाओगे आप। तो आज मैं जो आपको ये मचान का दिखा रहा हूँ, मचान कैसे बनाते हैं, मचान जो बेल वाली सब्जियाँ हैं छत में चढ़ाने के लिए। अगर दोस्तों आप जो है बेल वाली सब्जियों को लगाते हैं तो उसको आपको ऊपर चढ़ाने के लिए, इस तरीके से ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम इसको छत में अगर फैला देंगे, नीचे ज़मीन में फर्श में ही अगर फैलाएंगे बेल वाली सब्जी को, तो उससे क्या होता है, जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस बरसात में जो पानी पड़ता है उससे पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी रुकेगा वहाँ पर को जहाँ पर को आप फैलाओगे बेल को। और अगर आप ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने ये बांस का डंडा है इसका, इसको यहाँ इसमें लगा रखा है, एक कट्टे के अंदर ही लगा रखा, देखिए इस तरीके से आप इसको लगाकर जो बेल है उसको हल्के हल्के जहाँ ऊपर चढ़ते रहिए, इसको बांधते रहिए, देखिए मैंने इससे बांध रखा, हल्के हल्के ये खुद ही फिर सपोर्ट लेकर ऊपर को चढ़ने लग जाती है इस तरीके से। और ऊपर से देखिए मैंने इसमें जो ये इससे बांध रखा है तागों से, आप रस्सी का यूज भी कर सकते हैं, आपको रस्सी से भी बांध सकते हैं इस तरीके से, आपका आपका पिलर वगैरह कुछ है तो उसमें बांध दीजिए, ये ऊपर को चढ़ेगी इस प्रकार से। ये देखिए मैंने अलग अलग जो है इसके अलग अलग वो बना रखा चढ़ने के लिए, तो इस तरीके से चढ़ेगी। उसके बाद मैंने जो है इसको सपोर्ट कर रखा, देखिए ये तार लगा रखा है यहाँ पर को, ये दिख रहा होगा आपको, ये तार चारों तरफ यहाँ से लेकर वो दूसरे पिलर में बांध रखा उस साइड, और इसमें जो है ये जाल लगा रखा। अगर आपके पास इस तरीके की सुविधा नहीं है तो आप इसको ऊपर को चढ़ा सकते हैं, जैसे कोई पिलर लगा दिया साइड में, ऐसे ही कट्टा लेकर कोई इसी प्रकार का कोई बैग लेकर उसमें कोई लकड़ी घेंट कर या कोई पिलर घेंट के, तो उसमें सपोर्ट देकर आप ऊपर को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बरसात में अगर ऊपर चढ़ेगी बेल तो तभी इसमें जो है फ्रूटिंग अच्छी होगी। ये देखिए जैसे मेरे इसमें मैंने ऊपर चढ़ाई थी, अभी इसको लगाए हुए करीब 1 महीना हो रहा, जब बीज से बोया था उसके बाद से 1 महीना हो रहा है इसको, इसमें देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये तुरई की जो है, तुरई की बेल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए यहाँ से फूल आएंगे अब और ये फल में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से आप मचान बना सकते हैं ऊपर। अगर आपके पास ये जाल नहीं है तो आप पिछली बार में जब मैंने पौधे लगाए थे तो उसको रस्सी से बांधा था, इस प्रकार से रस्सी से बनाया था, इस बार में ये कहीं से मुझे मिला है जाल, इस तरीके से आप भी मंगा सकते हैं, क्रीपर नेट कहते हैं इसको। अगर आपको चाहिए तो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक आपके लिए, आप वहाँ से मंगा दीजिए। ये क्रीपर नेट बहुत अच्छी होती है सपोर्ट के लिए, जो बेल वाली सब्जियों के लिए सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार से ये जो मैंने लगा रखी है करीब, ये देखिए 10 बाई 15 का होगा एक क्रीपर नेट, इसमें मैंने 4 बेलों के लिए पूरा सपोर्ट दे रखा है। इस तरीके से आप भी जो अपनी बेल वाली सब्जियां छत में लगा सकते हैं। और अगर आप अपना खुद जाल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है तार कोई रस्सी लेकर दो तार, जो ये तार आता है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा हार्डवेयर की दुकान में, ये तार इससे भी आप क्रीपर नेट टाइप का बना सकते हैं। इसको अगर आप दो जगह आप पिलर में लगाएंगे अपने, मेरी छत में देखिए जैसे मैंने ये लगा रखा पूरा इस तरीके से, आप अगर आपके पास भी जगह है और कहीं पर को अगर आप कपड़े टांगने के लिए जो ऊपर छत में एंगल लगाते हैं तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, उस तरीके से लगा कर इसमें रस्सी बांध के, रस्सी चारों तरफ लपेट के इस तरीके से क्रीपर नेट की आप अपना जो है मचान बना सकते हैं छत में चढ़ाने के लिए। कुछ टाइम बाद इसमें मैं आपको इसका पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा, जब ये पूरी बेलें ऊपर चढ़ने लग जाएंगी इसके ऊपर और फ्रूटिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसके डिटेल, तो आप और अच्छे से जान पाएंगे कि इसमें किस तरीके से मचान बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, धन्यवाद।